वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो है बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के मॉडल को पहली बार लोगों के सामने पेश किया गया। सफेद और लाल रंग की ट्रेन का मॉडल पारदर्शी कांच के एक बॉक्स में रखा गया, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है वो दरअसल ऐसी दिखेगी, ये उसकी कुछ कलर स्कीम होगी, ऐसा उसका इंजन नजर आएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कामकाज संभाल रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक असल ट्रेन इस मॉडल से 10 गुना बड़ी होगी। ये जो हमने मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किया है ये 1:10 के स्केल में है। हमारी जो ट्रेन आने वाली है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए वो ट्रेन ऐसी ही होगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है, इस करार के तहत भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो जापान में चलने वाली E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन जैसी होगी। जापान में E5 शिंकानसेन सीरीज चलती है, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो कई खूबियों से लैस होगी। एक ट्रेन में इंजन के अलावा 10 डिब्बे होंगे जिनमें एक बार में 690 लोग सफर कर सकेंगे। सुविधाओं के आधार पर डिब्बों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। जापान की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को दुनिया की सबसे आधुनिक ट्रेन में से एक माना जाता है। हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक सारा काम समय पर पूरा हुआ तो 2026 तक बुलेट ट्रेन असल में पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। अभी भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। बुलेट ट्रेन के जरिए अहमदाबाद से मुंबई तक की 525 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली जाएगी, जबकि अभी ये दूरी 7-9 घंटे में तय होती है। मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा होगा, और अगर ये स्टॉप्स पर रुकती है, यानी बीच में यदि ये सारे स्टॉपेज पर रुकती है, तो 2 घंटा 58 मिनट के अंदर ये पूरे स्टॉप्स जो हैं वो टोटल स्टॉप्स जो हैं उसके बाद सफर की जो दूरी होगी वो लगभग इतनी होगी। टोटल स्टेशन गुजरात में 8 होंगे और 4 महाराष्ट्र के अंदर होंगे। बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसके इंजन का अगला हिस्सा है। 15 मीटर लंबे इस चपटे हिस्से को नोज कहा जाता है। ये डिजाइन इसलिए बनाई गई है ताकि जब बुलेट ट्रेन तेज रफ्तार के साथ किसी टनल से गुजरे तो शोर न हो। जो इसकी ये नोज है जिसको हम बोलते हैं, ये करीब 15 मीटर लंबी होगी। अब बनाई इसलिए गई है कि जब आप इतनी हाई स्पीड के ऊपर ट्रेन में निकलते हैं और टनल्स के बीच में से निकलते हैं तो आपने देखा होगा एक साउंड निकलता है, एक ब्लास्टिंग साउंड जैसा होता है। लेकिन जब इस तरह की नोज डिजाइन की जाती है ट्रेन की तो वो साउंड आपको नहीं सुनाई देता। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का 92% हिस्सा जमीन से ऊपर होगा, यानी ये ट्रेन पिलर पर दौड़ेगी। साथ ही समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी टनल से भी ये ट्रेन गुजरेगी। 96% जो इस रेल का सफर होगा वो ओवर द ग्राउंड होगा, यानी इस तरीके के जो ब्रिजेस हैं वो बनाए जाएंगे, जमीन से ऊपर ये चलेगी। लेकिन समंदर के नीचे देश का पहला एक रेलवे टनल अगर कहीं बनाया जाएगा तो वो केवल इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए बनाया जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान बुलेट ट्रेन का इंजन का सिमुलेशन भी दिखाया गया, जिसमें ये ट्रेन जापान के एक रूट पर चलती दिखाई दी। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने भी बुलेट ट्रेन के इंजन में सवारी की। इंजन में पायलट और को पायलट के बैठने की जगह है। ज्यादातर सिस्टम ऑटोमेटेड है, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से खुद काम करते हैं। पायलट के ठीक सामने लगी स्क्रीन पर स्पीड दिखाई देती है। हालांकि पायलट अपनी मर्जी से ट्रेन की स्पीड घटा या बढ़ा नहीं सकता। जो इसकी स्पीड है उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही यदि ड्राइवर चाहता है कि इस लिमिट से ज्यादा वो स्पीड को बढ़ाए तो उसकी भी इजाजत ये ट्रेन नहीं देती है, यानी एक तरीके से ये ऑटो प्रोग्राम्ड ट्रेन है। बुलेट ट्रेन कई तरह से आधुनिक सेफ्टी फीचर से लैस होगी। मसलन अगर ट्रेन के किसी भी डिब्बे का कोई दरवाजा खुला रह गया तो ट्रेन नहीं चलेगी। इसके अंदर कई सेफ्टी फीचर्स इस लिहाज से दिए गए हैं कि इसके अंदर ड्राइवर की अगर गलती हो भी जाती है तो यात्रियों की जान पर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेन अपने आप में एक तरीके से इंटेलिजेंट ट्रेन है। दरवाजे यदि बंद नहीं होते हैं तो ट्रेन को चलाना मुमकिन नहीं है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन होंगे, जिनमें कई स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर है, और खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जानकारी दी है कि अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 100% पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1389 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2022 तक बनकर
पूरा होना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से अब ये प्रोजेक्ट 2026 में पूरा हो पाएगा। पहले चरण के तहत गुजरात में सूरत से बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ट्रैक सिस्टम के लिए जापान की शिकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में पहली बार ऐसे रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जिनमें पत्थर की गिट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि सूरत और आणंद के बीच ट्रैक के लिए कंक्रीट की सतह बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एक बेहद ही हैरान करने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां एक बेंगलुरु की कंपनी की महिला सीईओ पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी महिला गोवा के एक होटल में अपने बच्चे के साथ ठहरी थी, लेकिन जब महिला ने होटल छोड़ा तो बच्चा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ को शक हुआ तो पुलिस को जानकारी दी गई, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली तो एक बैग से बच्चे के शव को बरामद किया। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगूट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला बेंगलुरु की एक कंपनी में सीईओ के तौर पर काम करती है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। कॉर्पोरेट कंपनी में सीईओ के पद पर काम करने वाली महिला आखिर अपने ही बेटे की कातिल क्यों बन गई? इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश में अब पुलिस जुट गई है। वैसे शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी महिला सीईओ का अपने पति से विवाद चल रहा था और दोनों का तलाक हो चुका है। जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ व्हिच शी वाज वेरी अनहैप्पी। पुलिस कत्ल की आरोपी महिला के पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और हत्या का मकसद जानने के लिए सबूतों की कड़ी जोड़ने में लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का पति विदेश में रहता है, जिसे बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मुकुल वासनिक के घर पर हुई इस बैठक में कांग्रेस की ओर से जहां बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण और नाना पटोले शामिल हुए, वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आव्वाड़ और शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी मीटिंग में मौजूद रहे। दावा किया गया कि इस बैठक में सभी लोकसभा सीटों को लेकर गठबंधन के नेताओं के बीच सहमति बन गई। महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहां लड़ने जा रहा है। एक दो सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को 15 लोकसभा सीट, एनसीपी और कांग्रेस को 14-14 लोकसभा सीटें, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी को 2 सीटें मिल सकती हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन में सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनने पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है, मैं बार बार कहता हूँ। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने दावा किया कि गठबंधन में शामिल बाकी दल कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस तो यही खत्म हो गया, तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडिगो में गठबंधन ही कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब सभी राज्यों में खत्म होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो कहां से, कहीं लालू जी के पीछे, कहीं मुलायम सिंह के पीछे, अब अखिलेश के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच भले ही सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हो रही हों, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक न तो बिहार में और न ही पंजाब या फिर दिल्ली में सीटों पर सहमति बन पाई है। मुकुल वासनिक के घर पर बैठक खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है।
हमारे में कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग में, सभी सीट पर वन टू वन बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। Zee News.